Good morning dear students welcome to Jatin's academy today in this class we're going to start with eighth chapter of class 8 ICSE chemistry that is water so let's get started वो वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू वाटर सो एस बी नो हमें यह पता है कि जो वाटर है वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए ठीक है इसकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है अपनी लाइफ में तो वाटर हमारी बॉडी में सेवेंटी परसेंट ऑफ अवर बॉडी वेट है और नाइन्टी परसेंट ऑफ अवर ब्लड है ठीक है ब्लड के अंदर नाइन्टी परसेंट वॉटर है और बॉडी वेट के अंदर सेवेंटी परसेंट वाटर है ठीक है यह एक्ट करता है एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसके अंदर आप जो भी सोल्यूट को डिजोल्व करोगे वो मैक्सिमम ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व हो जाएंगे ठीक है और इसके केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल फॉर्मूला क्या है एच ये तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसका केमिकल क्या होता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड डाई मतलब टू हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड में सिंगल ऑक्सीजन तो केमिकल नेम आ गया हमारे पास डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड तो जो वाटर है वाटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैसे सॉलिड कैसे एग्जिस्ट करता है आइस की फॉर्म में लिक्विड एग्जिस्ट करता है वाटर की फॉर्म में और गैशेस में वाटर वेपर्स की फॉर्म में ठीक है ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है ठीक है न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब कि अगर आप हाँ लिटमस पेपर इसमें डालोगे तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा मतलब ना ही तो वाटर एसिड है और ना ही वाटर बेस है नेक्स्ट वन हैविंग साइंटिफिक डिस्कवरीज अबाउट वाटर वाटर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज़ क्या हुई थी वो देखो फर्स्ट हमारे पास हैनरिक एनवेंडिश हेनरिक एवेंडिश एक इंग्लिश केमिस्ट का नेम है ठीक है जिसने बताया कि जो एक वाटर है वो कंपाउंड है कंपाउंड मतलब क्या होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनते हैं तो पता है हमें जो वाटर वो एक कंपाउंड है इसने बताया था थारिक एवेंडिश ने कि वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन एटम्स को कंबाइन करके बना हुआ है कितनी रेशियो में टू रेशो वन में तो ये फर्स्ट हमारे पास साइंटिफिक डिस्कवरीज आ गई सेकेंड हमारे पास है एंटोनियो Lewisworth. Antonio Lewisworth ने क्या बोला था कि एक कंपाउंड वाटर है उसने है, कि है, इसके अंदर two hydrogen atom है, मतलब तब तो उसने सिर्फ first में क्या बताया था, बताई थी ठीक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ एलिमेंट्स लगे हैं, एटम्स लगे और उनकी रेशियो टू रेशो वन होगी ठीक है बट फर्दर एंटोनियो लुइसवर ने यह बताया था कि इसमें टू एटम्स हाइड्रोजन के लगे होते हैं और वन एटम ऑक्सीजन का लगा होता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आए स्कॉट बर्ट एंड एचर इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या पर, मतलब एडिशनल इन्फॉमेसन प्रोवाइड की एडिशनल मतलब एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन एविडेंसेस प्रोवाइड किए इन दोनों को और पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ जो एक वाटर वो कंपाउंड है टू रेशियो वन की एटम्स की रेशियो से कंबाइन हुआ हुआ है और इसमें टू हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन है नेक्स्ट वैल हैविंग सोर्सेज ऑफ वाटर इन नेचर कि नेचर में हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है ठीक है क्योंकि जो वाटर उसका वाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी बॉडी के लिए और हमारे अर्थ में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इस वाटर की ठीक है तो अप्रॉक्सिमेटली जो सेवेंटी परसेंट है हमारे जो अर्थ सर्फेस है वो वाटर से कवर है ठीक है वेरियस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है कहीं लिक्विड फॉर्म में कहीं सॉलिड फॉर्म में ऐसे कहीं गैशियस फॉर्म में ठीक है इसके लिए जो वाटर है वाटर की सोर्सेज को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि हमें टू मेन कैटेगरी से वाटर मिलता है कौन कौन से सर्फेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर तो सर्फेस वाटर में क्या आ जाता तो है जो भी हमारे अर्थ सरफेस की वाटर बॉडीज है जैसे कि ओशियन सीज रिवर्स लेक इन सभी में हम क्या प्रेजेंट है क्या हमें मिलता है वाटर मिलता है ठीक है नेक्स्ट क्या आ गया अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड को हम सब सॉइल वाटर भी बोल देते हैं अंडरग्राउंड क्या होता है कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो सॉयल और रॉक्स लेयर्स हैं उसके भी अंदर हमें क्या मिलता है हमें मिलता है वाटर ठीक है जो वेल्स और स्प्रिंग्स है जो मतलब वेल्स होते हैं कुएं वगैरह होते हैं ठीक है थीके? वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर है अंडरग्राउंड वाटर है ठीक है इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो काफ़ी सारी लेयर सॉयल लेयर से पास होकर बहुत सारे लेयर्स इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम पोटाशियम कैल्शियम आयरन इन सभी का मिक्सचर हमें क्या मिलता है एक वाटर मिलता है ठीक है इसको हम कई बार कंसिडर करते हैं कि क्लीन और सुटेबल हो है वेरियस पर्पसेस के लिए जो हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है नेक्स्ट फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सर्फेस कि अर्थ के सर्फेस पे वाटर हमें कौन कौन सी फॉर्म्स में मिलता है वो हमें रीड करना है तो जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ सर्फेस पे वो यूनिफॉर्म नहीं होती ऐसे नहीं कि सारा ही जो पानी है वो मतलब कि सॉलिड स्टेट में या सभी पूरा ही पानी है जो लिक्विड स्टेट में है उसकी भी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होती तो है तो मेन थ्री फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट है वाटर सॉलिड लिक्विड एंड गैशेज फर्स्ट हम रीड करेंगे कि सॉलिड स्टेट में कैसे कैसे प्रेजेंट है वाटर अर्थ सर्फेस पे कुछ रीजनस है अर्थ के जैसे कि हाई माउंटेन पीक्स हो गए या पोलर रीजन जैसे अंटार्टिका वगैरह हो गया आर्टिक सर्कल वगैरह हो गया ठीक है इसमें जो सभी वाटर प्रेजेंट होता है ना वाटर प्रेजेंट होता है स्नो और आइस की फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन जो एरियाज़ होते हैं अंटार्टिका आर्टिक सर्कल यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होगा जो वाटर है वो पूरा क्या होता है सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट फिजिकल स्टेट वी आर हैविंग लिक्विड स्टेट तो जो मोस्ट कॉमन स्टेट वाटर की होती है वो लिक्विड होती है हमें पता ना जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादातर होता है ठीक है जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ सर्फेस में वो ओशियज और सीज में प्रेजेंट होता है और इसके अलावा क्या होगा जो अर्थ जो लिक्विड वाटर है वो रिवर्स में लेक्स में स्ट्रीम और कोई भी जो सर्फेस वाटर बॉडीज़ वगैरह प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में वहाँ पर हमें लिक्विड वाटर मिल सकता है ठीक है जो वाटर ओशियन और सीज में होता है उनमें मेनली डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं ठीक है थीके? जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है एन ठीक है इसमें पानी में ये सॉल्ट मिक्स होकर आते हैं तो इनको हम जो भी हमारे पास ये पानी आता है जो ओशन और सीज में पानी होता है ये पानी सॉल्टी पानी होता है सॉल्टी टेस्ट होता है थोड़ा सा नमक वाला टेस्ट होता है ठीक है इसीलिए हम इस पानी को सिलाइन वाटर बोलते हैं जो पानी ओशन और सीज में होता है क्योंकि इसमें क्या डिजोल्व है इसमें डिजॉल्व है सॉल्ट थर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर वीर हैविंग गैशियर स्टेट तो वाटर क्या करता है थर्ड स्टेट दट इज गैशियर स्टेट में भी एक्जिस्ट करता है ठीक है ये हमें कैसे पता चल रहा है जो भी हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमोस्फियर में वाटर वेपर वाटर वेपर्स क्या होते हैं वेपर मतलब गैशियर स्टेट और वाटर्स के वेपर मतलब वाटर है गैशियर स्टेट में प्रेजेंट है ठीक है तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट और वैदर सिस्टम वगैरह चेंज होते हैं वो सभी कैसे होते हैं गैशियर स्टेट ऑफ वाटर की हेल्प से नेक्स्ट में हैविंग कंबाइंड स्टेट जो इधर हमें रीड कर लिया कि जो सॉलिड स्टेट में होता है पानी लिक्विड स्टेट में होता है एगेशियस स्टेट में होता है ठीक है अभी जो वाटर वो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है जैसे वाटर है वो हमारी बॉडी में फाइंड आउट होता है ना बॉडी के अंदर जो भी मतलब बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स है ठीक है इन सभी फ्लूइड्स के मतलब अंदर क्या प्रेजेंट होता है पानी प्रेजेंट होता है तो ये कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ कंबाइन करके भी प्रेजेंट होता है ठीक है और अगर आप एग्जाम्पल ले लो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड के साथ पानी ऐसे मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जैसे कॉपर सल्फेट डॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर ठीक है तो हाइड्रटेड क्रिस्टल्स क्या होते हैं पानी तो इसमें प्रेजेंट है बट इसमें कंबाइंड स्टेट में पानी प्रेजेंट है पानी अकेला एच टू अकेला नहीं है इसमें कंबाइंड है किसी के साथ ठीक है जैसे आयरन सल्फेट एफ फोर डॉट सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर्स तो प्रेजेंट है बट वाटर क्या है कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है ठीक है तो जो लाइन वाटर वगैरह होता है जो ओशियन और सीज में होता है वो भी एक मतलब अनदर स्टेट है कंबाइंड स्टेट की क्योंकि वो भी तो एनएसएल और वाटर कंबाइंड स्टेट में ही है ना अकेला वाटर हो तो वो फ्री स्टेट में होगा अगर वो किसी के साथ मिक्स हो गया तो वो कंबाइंड स्टेट में होगा नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर वी आर हैविंग रेन वाटर तो रेन तो हमें पता है रेन एक प्राइमरी सोर्स है वाटर का अर्थ सरफेस पे ठीक है रेन वाटर एक नेचुरली प्योर वाटर होता है ठीक है क्योंकि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर से बना होता है पर जो फर्स्ट रेन ड्रॉप होती है फर्स्ट शावर होता है ड्रॉप होती है रेन की जब वो शावर ऑफ द ड्रॉप हमारे एटमोसफियर में आती है वो क्या करता है सभी जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं वो गैसेस के साथ कंबाइन कर जाता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ठीक है यहाँ पे आके वो डिजॉल्व हो जाता है गैसेज में बट आफ्टर वर्क जब भी गैसेज खत्म हो जाती है तब वो क्या होता है पूरा प्योर वाटर होता है रेन वाटर नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर वी आर हैविंग रिवर वाटर ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन है रिवर वाटर में भी प्रेजेंट है वाटर रिवर वाटर में कई बार डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट फे हैविंग स्प्रिंग वाटर स्प्रिंग वाटर में भी डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ी प्रेजेंट हो जैसे कि मिनरल सॉल्ट इसमें क्या वाटर के साथ मिक्स होते हैं मिनरल्स एंड सॉल्ट्स नेक्स्ट वील हैविंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर ये तो मैं पता है कि जो वाटर उसकी थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठीक है तो वाटर तो उसकी थ्री फिजिकल स्टेट्स हैं जैसे कि आइस आइस कौन सी है सॉलिड स्टेट वाटर लिक्विड स्टेट एंड स्टीम गैशियस स्टेट इन फिजिकल स्टेट्स को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो बाय गिविंग द टेम्परेचर टू देम आप हीट कर दोगे सॉलिड को वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड को हीट कर दोगे वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो आप इंटर मतलब ट्रांजिशन कर सकते हो बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द वाटर देखो अगर आपके पास वाटर है और वाटर के मैंने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह हमने पूरी कंडीशन ऐसे लगाई तो क्या होगा जो पानी है वो क्या करेगा स्टीम में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे हीट दे रही हूँ इसको ठीक है हीट देने पर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे, पे लेके आने पर जो वाटर है वो क्या करेगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मैं वही स्टीम को कूल करना स्टार्ट कर दूँ इस स्टीम को मैं कूल करना स्टार्ट कर दूँ कूल करके वो कंडेंस करेगा कंडेंस करके अगेन जो गैशियस स्टेट थे वाटर की वाटर वेपर से वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे वाटर लिक्विड में ठीक है अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें और उसको ठंडा करना स्टार्ट कर दूँ और ठंडा करूंगी तो क्या होगा वो सॉलिड स्टेट में फिर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अगर उसको गर्म करोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड लिक्विड को और गर्म करो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा गैशिय को कूल cool करो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और अगेन लिक्विड को कूल cool करो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट फिर हाविंग हाइयर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट में क्या ध्यान से देखो कि अगर तो आप पानी को लिक्विड वाटर को कल cool करना स्टार्ट करोगे अगर लिक्विड वाटर को कूल cool करोगे तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आएंगे तो वो क्या करेगा उसका वॉल्यूम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बाकी जो लिक्विड जैसी भी करते हैं वैसी ठीक है बट अगर आप फोर डिग्री सेल्सियस पर लेके आओगे ना टेम्परेचर फोर डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा क्योंकि कहां तो आप टेम्परेचर रहे करो टेम्परेचर रिड्यूस करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा ठीक है बट फोर डिग्री सेल्सियस पे आके क्या होगा कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बट अगेन अगर आप उसको फोर डिग्री से जीरो डिग्री लेके आना स्टार्ट करोगे ना तो जीरो डिग्री पे आके वो क्या होगा फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इसी यूनिक बिहेवियर ऑफ द वाटर को हम क्या क्यों करते क्यों होता है ऐसे क्योंकि यहाँ पे आके उसकी मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम हो जाता है फोर डिग्री सेल्सियस पर आप लर्न रखोगे कि ये अपना अनोमलस एक्सपेंशन होता है अनोमोलस एक्सपेंशन वाटर अपना फोर डिग्री सेल्सियस पर क्यों शो करता है तो उसका मेन रीज़न क्या है कि वैसे तो अगर आप कोई भी चीज़ को कोई भी लिक्विड को हीट करोगे तो हीट करने पे उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं और ऑब्बियसली इसके रिटर्न करोगे कि अगर आप किसी भी लिक्विड को कूल करना स्टार्ट करोगे तो कूल करने पे उसके पार्टिकल्स क्या नज़दीक नजदीक आएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सॉलिड में कन्वर्ट होंगे ठीक है बट वाटर क्या करता है कि वाटर को अगर आप कूल करना स्टार्ट करो ना कूल करने पर वैसे उसका वॉल्यूम रिड्यूज़ होना चाहिए पर फोर डिग्री सेल्सियस पे आके क्या होगा कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस नहीं उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है तो क्यों होता है ऐसे क्योंकि वहाँ पे फोर डिग्री सेल्सियस पे आके वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है और मिनिमम वॉल्यूम होती है इसी करके वाटर इस टेम्परेचर पर फोर डिग्री सेल्सियस पे आके अपना अनोमलस एक्सपेंशन शो करता है नेक्स्ट फिर हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर तो वाटर देखने में कैसा होता है वो हमने रीड करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब देखने पे क्या पता चलता है कि वाटर कैसा है फर्स्ट फिर हैविंग कलरलेस एंड ऑर्डरलेस वाटर का कोई कलर नहीं है वाटर की कोई स्मेल नहीं है प्योर वाटर की मैं बोल रही हूँ ठीक है प्योर वाटर का कोई कलर नहीं है कोई टेस्ट नहीं है कोई स्मेल नहीं है नेक्स्ट फिर हैविंग यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो जो वाटर है वो अपने अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटांसिस को डिजोल्व करवा सकता है जैसे मेरे पास पानी है पानी के अगर मैं शुगर ऐड करूँगी वो ऐड हो जाएगी सॉल्ट ऐड करूँगी ऐड हो जाएगा एल्कोहल ऐड ऐड हो जाएगा ठीक है तो पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक जो है, वो सबस्टांसिस हो सकते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है थ्री स्टेट्स तो जो वाटर है वो थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस नेक्स्ट फिल हैविंग हीट एब्जॉर्बशन तो जो वाटर है वो काफ़ी सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है नेक्स्ट विल हैविंग कोहेशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे में मतलब स्टिक होकर रहते हैं जैसे बीकर में अगर मैंने पानी डाल दिया ऐसे तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में स्टिक होके रहते हैं ना पास तो न, दूर, दूर दूर पानी के मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते रहते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट होती है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर हैविंग फ्लो जो वाटर है वो नेचुरली हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो करता है ड्यू टू द ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है नेक्स्ट वे हैविंग अबंडेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो एक वाटर है वो एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है बॉयलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर वाटर होता है उसका बॉयलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सेल्शियस होता है इस टेम्परेचर पर और जो ये फ्रीज होता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होता है एट द सेम टेम्परेचर ठीक है इनके जो मतलब अगर आपने इनको चेंज करना है तो आप प्रेशर वेरिएशन तो अगर प्रेशर चेंज करोगे तो ये टेम्परेचर भी चेंज होते रहेंगे ठीक है पुअर हीट कंडक्शन जो वाटर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है अगर आप वाटर से हीट को पास करोगे तो बहुत कम अपने अंदर से हीट पास करवाएगा ठीक है नॉन कंडक्टिविटी प्योर वाटर है वो अपने आप से मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत कम से कम मतलब पास करवाता है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती प्योर वॉटर से अगर वॉटर इम्प्योर है फिर तो हो जाएगी कोई बात नहीं नेक्स्ट हैविंग यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में रीड कर लिया कि जो वॉटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जो जो वाटर है वो अपने अंदर वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स को अपने अंदर क्या मिक्स करवा लेता है ठीक है तो वाटर को मेनली हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी यूनिक एबिलिटीज है यूनिक एबिलिटीज मतलब क्या है कि अपने अंदर डिफरेंट सब्सटांसिस को डिजोल्व करने की क्षमता रखता है ठीक है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है क्योंकि वाटर के अंदर वाटर पोलैरिटी की एक प्रॉपर्टी है वाटर पोलैरिटी में क्या होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफॉबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफॉबिक मतलब वाटर को रिपेल करता है अपने आप से हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अपने आप में अट्रैक्ट करवाता है अभी जो ये वाटर पोलैरिटी यहाँ कहाँ से आती है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है एच टू ओ एच टू ओ का मतलब क्या होता है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ठीक है इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम होते हैं वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज में होते हैं और इसमें जो टू हाइड्रोजन ऐटम होते हैं ये एच प्लस ओ नेगेटिव ठीक है और जो टू हाइड्रोजन ऐटम होते हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज के होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है पोलराइजेशन मतलब कि जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को ऐसे अट्रैक्ट करते रहते हैं तो ये वाटर एच टू वाले जो पॉजिटिव ओ वाले नेगेटिव ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रेक्टिव इसीलिए इसके मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को अपने में अट्रैक्ट करते रहते हैं अपने आप से दूर ऐसी तो ड्रॉप होती है मतलब वाटर की वाटर की ड्रॉप के अंदर से पार्टिकल्स दूर दूर क्यों नहीं भागते वो ड्रॉप ऐसी इकट्ठी होकर क्यों रहती है क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट चार्ज करके वो अट्रैक्ट होते रहते हैं और कभी भी ड्रॉप ऐसी मतलब खराब नहीं होती पार्टिकल्स नज़दीक नजदीक रहते हैं वाटर क्या करता है कि अगर आप वाटर के अंदर एच टू ओ के अंदर कोई भी आप और कोई आइनी कंपाउंड डालो आइनी कंपाउंड जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्ट डाल दिया एन डाल दिया तो इसमें क्या होगा कि वाटर के अंदर एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव होंगे और सॉल्ट के अंदर भी एन पॉजिटिव सी नेगेटिव आइन्स होंगे तो ये क्या करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा ये अपने आप दोनों अपने आप को मिक्स कर लेंगे क्योंकि वाटर एक पोलैरिटी वाला सब्स्टांस है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो अपने अंदर जो भी आयनिक वाले सब्सटांसे होंगे उनको तो बड़े ईजिली क्या करेगा अपने अंदर डिजोल्व करवा लेगा वाटर ऐसे ही नहीं कि जो भी सॉलिड्स है सिर्फ वही वाटर में ऐड करवा सकते हो। वाटर के अंदर आप गैसेस और लिक्विड्स भी काफी सारे ऐड हो सकते हैं ठीक है जैसे नेचर में क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स मिट्टी के अंदर से क्या करते हैं मिनरल्स वगैरह ऊपर रूट से अपने आप में लेके जाते हैं ताकि अपना फूड अपने आप तैयार कर सके ठीक है जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपने असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो एक बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों में असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए तो असेंशियल है ही है चलो जो भी केमिकल प्रोसेस वगैरह होने होते हैं उसके लिए भी जो वाटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए वाटर को आप क्या बोल सकते हो कि यूनिवर्सल हमारे लिए सॉलवेंट है हमें यूनिवर्सली चाहिए होता है नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्टस इन वाटर तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता dissolution है डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड लिक्विड और गैस को जब आप लिक्विड में ऐड करते हो तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं ठीक है डिसोल्यूशन में क्या होता है कि अगर मैंने पानी लिया पानी के अंदर जो भी सबस्टांस मैं डाल रही हूँ कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी डाल रही हूँ उसको हम बोलेंगे सल्यूट जिसमें भी ऐड कर रहे हैं और जिसमें ये हम ऐड कर रहे हैं ऊपर से हम जो डाल रहे हैं वो सल्यूट होता है जिसके अंदर आप डाल रहे हो वो होता है सॉल्वेंट और जो भी इन दोनों को मिक्स करके कोई नई चीज़ बन जाएगी वो होता है सल्यूशन ठीक है तो जो वाटर होता है वाटर की एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट सॉल्ट को अपने अंदर क्या मतलब सोल्ट को अपने अंदर क्या डिजोल्व करवा सकते हैं क्युं? क्यों क्योंकि जो वाटर है वाटर एक मैंने आपको बताया वो पोलराइज मतलब वाटर होता है पोलराइज मतलब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो वाटर क्या करेगा वाटर के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज और जो भी नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ होगी ना ओ एच नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव ठीक है वो उसके अंदर आप अगर सॉल्ट डालोगे सॉल्ट भी क्या होता है सॉल्ट भी आयोनिक होता है ठीक है तो वो क्या करेंगे अपने वाले पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा जो पानी है जो भी आयनिक कंपाउंड जो भी आयनिक सॉल्ट आपने डाला वो अपने आप में अच्छे से उसको मिक्स करवा लेगा और इसी को हम बोलते हैं कि उसकी डिसोल्यूशन so है वाटर की डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप में सॉल्ट को ऐड करवा लेता है ठीक है और जो अगर आपको देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक गिलास है ठीक है गिलास के मैंने पहले एक चम्मच डाला नमक का और मैंने मिक्स कर दिया तो मिक्स हो जाएगा ना एक चम्मच अगर मैंने दो चम्मच डाले नमक के गिलास में पानी के ठीक है वो दो चम्मच में मिक्स हो जाएंगे तीन डाले चार डाले पानी के अंदर नमक तो वो भी मिक्स हो जाएगा अगर मैंने पूरी एक बोरी उठा के उसके अंदर डाल दी पूरा एक बड़ा मतलब नमक वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर एक गिलास पानी के अंदर वो ऐड हो जाएगा नहीं ऐड होगा ना क्यों क्योंकि देखो जो वाटर है उसके अंदर भी कुछ लिमिट है उसके अंदर भी कुछ क्षमता है वो कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट अपने अंदर ऐड कर सकता है ठीक है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ आप सल्यूट अपने अंदर ऐड कर ले उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटांस को जो हम लिक्विड में ऐड कर सकते हैं एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं कि उसकी सोलिबिलिटी है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको गर्म भी करी चलो जो भी करना करी जाओ पर उसके अंदर एक क्षमता होगी कि वो इतना ही अमाउंट ऑफ सल्यूट अपने अंदर ऐड कर सकता है तो उसकी हम वो क्या बोलते हैं कि वो सोलिबिलिटी है तो जो डिसोल्यूशन होता है सॉल्ट इन वाटर इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस अपनी डेली लाइफ में जैसे मतलब टेस्ट देता है वाटर को बहुत सारे जो असेंशियल मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो सभी इसे डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर से मिलते हैं ठीक है थीके? जो भी हमारे मिनरल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर ठीक है वो जो बायोलॉजिकल फंक्शन होने हैं वो भी सारा कुछ क्या है ऐसे जो डिसोल्यूशन से प्रेजेंट होता है तो ये सभी डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर जो भी मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व सॉल्ट प्रेजेंट है वो लिविंग और जो भी हमारे डेली लाइफ में या बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंस है उसको हेल्पफुल होता है नेक्स्ट में हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड गैसेज इन वाटर जो भी वाटर के अंदर हम सॉलिड्स और गैसेस वगैरह ऐड करते हैं उसकी हमें क्या इंपॉर्टेंस है अपनी डेली लाइफ में फर्स्ट वी आर हैविंग डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर तो ये तो हमने रीड कर लिया कि अगर आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड कर लिया तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें टेस्ट प्रोवाइड करता है फ्लेवर प्रोवाइड करता है वाटर को ये असेंशियल मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जो बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो प्रोवाइड करता है जो भी प्लांट्स के अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होने चाहिए वो डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर की हेल्प से उनको मिलते हैं नेक्स्ट फिर हमें डिजोवड एयर इन वाटर अगर आप वाटर के अंदर एयर को ऐड कर दो तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फर्स्ट इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन तो ये हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारी रेस्पीरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है तो अगर जो भी पानी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह एड होती है एयर वगैरह एड होती है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन मिलती है ऑक्सीजन से हमें एनर्जी वगैरह प्रोवाइड होती है ठीक है इसके अलावा क्या होता है कि अगर एयर को ऐड कर दो पानी में तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करता है जो भी इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना तो फोटोसिंथेसिस वगैरह करने के लिए प्लांट्स को भी फोट, कार्बन फोटो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो सभी कैसे पॉसिबल है क्योंकि वाटर में क्या एयर मिक्सड होती है नेक्स्ट में हैविंग असिस्टेंस शेल फॉर्मेशन कई ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो शेल की फॉर्मेशन जो शेल्स के अंदर रहते हैं तो वो शेल्स कहाँ से बनती है शेल्स भी बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होती है उन कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से मेराइन एनिमल्स क्या करते हैं अपने हार्ड शेल बनाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स सो ध्यान से देखो सोल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स क्या होता है तो सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग सल्यूशन क्या होता है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब इसमें कोई भी सेपरेट बाउंड्री नहीं होती ऐसे पूरा यूनिफॉर्मली मिक्सड एक सल्यूशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटांसेज मिक्स किए होते हैं ठीक है ठीके? जिस जो भी आप सब्सटांस ऊपर से डाल रहे हो उस सब्स्टांस को आप बोलते हो सल्यूट ठीक है जिसमें आप सल्यूट डाल रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पानी या एल्कोहल है उसको आप बोलोगे सॉलवेंट ठीक है तो जो ये सल्यूशन है सल्यूशन क्या होगा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा सल्यूट एंड सोलवेंट का ठीक है इसमें क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादातर क्या होता है लार्ज क्वांटिटी में हम लेते हैं और जो सल्यूट है वो हम कम क्वांटिटी में लेते हैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने शुगर सल्यूशन बनाना है तो शुगर सल्यूशन में क्या होगा कि मैं पानी लूँगी पानी में शुगर ऐड करूँगी ठीक है तो जो भी मैं शुगर ऐड कर रही हूँ उसको हम बोलेंगे सल्यूट जो कि कम अमाउंट में होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा और जो मैं यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ले रही हूँ उसको हम बोलेंगे कि वो सॉलवेंट है ठीक है जब सल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स कर लोगे मिक्स करने पे एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा उसको आप बोलोगे कि वो सल्यूशन बन गया किसका सल्यूशन शुगर सल्यूशन सिमिलरली सॉल्ट सल्यूशन हो सकता है ठीक है अगर आप सोडा वाटर वगैरह देखो तो सोडा वाटर में क्या होगा कार्बोनेटेड बीवरेजेस बोलते हैं इसको तो उसमें क्या होगा कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि पानी में वो क्या करते हैं पानी में ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐसे प्रेस करके डालते हैं ठीक है थीके? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर से डाल रहे हैं वो सल्यूट होगा और पानी में क्योंकि डिजॉल्व कर रहे हैं उसको तो पानी क्या होगा एक सॉल्वेंट होगा ठीक है नेक्स्ट वन हैविंग क्वस एंड नॉन एक्वा सोल्यूशन तो आगे सोल्यूशन के टू टाइप्स हो जाएंगे एक्वस एंड नॉन एक्वा सल्यूशन तो एक्वा सोल्यूशन क्या होते हैं वो सोल्यूशन जिसमें आप वाटर ले रहे हो एज अ सॉल्वेंट क्योंकि मैंने आपको बताया कि कम क्वांटिटी वाला सल्यूट होता है ज्यादा क्वांटिटी वाला सोलवेंट होता है ठीक है अगर तो आप सॉल्वेंट एज़ अ वाटर ले रहे हो जो आप सॉल्वेंट वो वाटर ले रहे हो तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो एक्वा सॉल्यूशन है और अगर आप सॉल्वेंट वाटर के अलावा और कुछ भी ले रहे हो ठीक है जैसे कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है अगर आप ऐसे सोलूशन अगर आप ऐसे सॉल्वेंट ले रहे हो तो उनको आप बोलोगे नॉन एक्वा सल्यूशन नेक्स्ट वन हैविंग ट्रू सोल्यूशन तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है ट्रू सलूशन की आप करैटरस्टिक्स हम रीड करेंगे करैक्टरस्टिक्स से रीड करने से हम समझ आ जाएगा ट्रू सोल्यूशन क्या होता है तो ट्रू सल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर होता है होमोजीनियस मिक्सर मतलब क्या होता है जिसमें सल्यूट और सॉलवेंट अच्छे से प्रॉपरली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए ठीक है इवनली पूरे जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉलवेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो नेक्स्ट क्या है कि जो आप सिल्यूट इसमें डाल रहे हो वो सिल्यूट का पार्टिकल डालने के बाद इतना स्मॉल हो जाएगा कि उसका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली टेन नैनोमीटर होगा टेन नैनोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है, जिसको आप नेक डाई से ऐसे आम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते ठीक है तो नेक्स्ट क्या होगा कि जो आपने ये सल्यूशन बनाया ट्रू सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज टेन नैनोमीटर है अगर आप उस साइज उस सल्यूशन में से ऐसे टॉर्च की लाइट पास करोगे ना तो वो पार्टिकल्स इतने टाइनी पार्टिकल्स होंगे ना कि वो टॉर्च की लाइट को स्कैटर भी नहीं करेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा कि टॉर्च की लाइट जो अंदर से जा रही है वो कहाँ से जा रही है स्कैटर ही नहीं हो रही लाइट दिखेगी नहीं हमें लाइट ठीक है नेक्स्ट क्या होगा कि जो सिल्यूड पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली मतलब हमें समझ ही नहीं आएगा कि सिल्यूड पार्टिकल्स गए के बाद अंदर अंदर जाने solute, अंदर जाने के 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 बाद बाद ठीक है सॉल्वेंट सिल्यूड पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली इतना मिक्स हो जाएंगे कि हमें उसका पतन चलेगा वो प्रॉपर स्टेबल सल्यूशन बन जाएगा और जो इसके कॉम्पोनेट्स है जो इसके सल्यूड पार्टिकल्स है हम उसको क्या करते हैं कोई भी फिजिकल मैथड लगा के या कोई भी फिल्ट्रेशन मैथड लगा के इस सोलवेंट से बाहर नहीं लेके आ सकते अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर डाल दी इस वाटर में ठीक है तो शुगर के पार्टिकल इतने नेक मतलब इतने अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कि आप कोई भी फिजिकल मैथड यूज करके कोई भी फिल्ट्रेशन वगैरह यूज करके शुगर के पार्टिकल्स को बाहर नहीं लेके आ सकते नेक्स्ट वन हैविंग सस्पेंशन सो सस्पेंशन क्या होता है सस्पेंशन भी वैसे एक सोल्यूशन ही होता है जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया होता है पर इसमें क्या होगा कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे ना सल्यूट के पार्टिकल्स ट्रू सल्यूशन वाले पार्टिकल से ज्यादा बड़े होंगे कितने बड़े होंगे इनका साइज होगा टेन की पावर माइनस सेवन मीटर थोड़े से पार्टिकल्स बड़े होंगे ये पार्टिकल ज्यादा डिजोल्व नहीं होंगे ठीक है ये पार्टिकल ज्यादा डिजोल्व नहीं होते सॉल्वेंट में इसके पार्टिकल ज्यादा डिजोल्व नहीं होते और ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं इस सोल्यूशन में ठीक है सस्पेंडेड हमें दिखते होते हैं ये पार्टिकल्स हैं इसके में कैरेक्टरिस्टिक्स रीड

ये रहे इसके पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल आपने पानी में मिट्टी डाल दी तो मिट्टी आपको दिखेगी ना ये 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 मिट्टी मिट्टी अच्छे से मिक्स नहीं होगी यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगी ठीक है अगर आप इसमें से लाइट को पास करोगे तो वो लाइट भी स्कैटर होगी क्योंकि इसमें पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करवाएंगे स्कैटर कराने का मतलब क्या है हमें लाइट का पाथ दिखेगा कि यहां से लाइट जा रही है ठीक है तो ये लाइट को क्या करेंगे स्कैटर करेंगे जब लाइट इसमें से पास होगी सस्पेंडेड सल्यून में से इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे कुछ टाइम अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट है सॉल्वेंट में अगर मैंने सल्यूट डाल दिया और कुछ टाइम आप इसको ऐसे अनडिस्टर्ब रखोगे ना तो जो सल्यूट पार्टिकल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम बाद क्या होंगे ऐसे नीचे आके बैठ जाएंगे ठीक है तो ये सोल्यूशन पूरा क्या होगा अनस्टेबल होगा सल्यूशन तो आप फिल्ट्रेशन के मैथड से अगर आप फिजिकल प्रॉपर फिजिकल मैथड कोई लगाओ फिल्ट्रेशन वगैरह लगाओ तो आप इसमें से क्या कर सकते हो सल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हो ठीक है इसकी एग्जाम्पल अगर आप पानी में मडी वॉटर डाल दो पानी में मड डाल दो मिट्टी डाल दो और या आप क्या करो पानी में चौक पाउडर डाल दो तो वो सारे सोल्यूशन क्या होंगे सस्पेंशन वाले सोल्यूशन होंगे ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग कोलाइट्स तो कोलाइट्स क्या होते हैं कोलाइड्स को मेनली आप सोल्स भी बोल सकते हो ठीक है सोल्स का मतलब क्या है कि वो ऐसे सल्यूशन जो सल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट वाला हमें सोल्यूशन शो करें ठीक है इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं ना इनके पार्टिकल साइज कुछ इसके बिटवीन होते हैं सल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट होते हैं ठीक है थीके? इनका पार्टिकल साइज टेन की पावर माइनस नाइन से लेकर टेन की पावर माइनस सेवन मीटर्स तक क्या करता है वेरी करता है इसका हमने रीड किया था ना नैनोमीटर्स में था इसका हमने रीड किया था टेन के पावर माइनस सेवन मीटर था तो इनके बिटवीन अगर कोई भी पार्टिकल साइज आ गया तो उसको हम बोलेंगे कि वो कोलाइड्स है और शॉर्ट फॉर्म में इसको सोल्स भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? आगे जो कोलाइड्स है उनके दो मेन कंपोनेंट होते हैं एक तो डिस्पर्स फेस एक होता है डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्स फेस क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऊपर से पार्टिकल्स डाल रहे हो उसको हम बोलेंगे कि वो डिस्पर्स फेस है किस चीज में पार्टिकल डाल जो लार्ज क्वांटिटी में आप ले रहे हो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम है ठीक है नेक्स्ट वेन हैविंग करैक्टरस्टिक्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन करैट्रिस्टिक क्या है ये पहली बात तो ये होाइट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वैसे देखने में जो कोलाइडल सोल्यूश होते हैं ना लगते हैं कि वो होमोजीनियस होंगे पर एक्चुअली इनका जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से मिक्स नहीं होते एक्चुअली अच्छे से डिस्पर्स नहीं होते थोड़ा डिस्पर्स नहीं होते इसकी वजह से वो हाइट्रोजीयस मिक्सचर है जैसे अगर फॉर एक्जाम्पल आपके पास मिल्क है मिल्क में आप पानी ऐड कर दो मिल्क में पानी ऐड करोगे आपको ऐसा लगेगा ना कि पानी अच्छे से मिक्स हो गया मिल्क में पर ऐसे नहीं होता वो कोलाइडल सल्यूशन होता है पानी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता उसमें पार्टिकल्स होते हैं पानी के सेपरेट होते हैं ठीक है तो एक्चुअली ये हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है पार्टिकल साइज रेंज आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इसकी पार्टिकल साइज रेंज सल्यूशन और सस्पेंशन की इंटरमीडिएट होती है टेन की पावर माइनस नाइन से लेकर टेन की पावर माइनस सेवन मीटर्स तक होती है ठीक है नेक्स्ट विल हैविंग स्टेबिलिटी ये थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं वैसे तो इनके पार्टिकल्स ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसे लगता कि है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिमेन रहते हैं बट एक्चुअली ये क्या करते हैं अगर आप कुछ टाइम इसको अनडिस्टर्ब रख दो ना तो पार्टिकल्स नीचे नीचे आके बैठ जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये थोड़े बहुत मतलब स्टेबल होते हैं ज़्यादा स्टेबल नहीं होते है. नेक्स्ट में हैविंग नॉन फिल्ट्रेशन सस्सपेंशन की तरह ये कभी भी मतलब आप इसको फिल्टर पेपर यूज़ करके या फ़िल्ट्रेशन का मैथड यूज़ करके इसको सेपरेट नहीं कर सकते मिलक से आप वाटर का भी सेपरेट नहीं कर सकते ना तो ये भी नॉन फिल्ट्रेशन होते हैं इनको हम फिल्टर नहीं कर सकते नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिंडल इफेक्ट क्या होता है ध्यान तो से देखो अगर हमने बात की कोलाइडल सोलूशन की तो कोलाइडल सल्यूशन में हमें पता है कि कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो पार्टिकल्स ऐसे सस्पेंडेड होते हैं इवन नहीं पता डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते अच्छे से मिक्स नहीं होते ऐसे हाइट्रोजीनियस में होते हैं ठीक है अगर आप कोलाइडल सल्यूशन में से ऐसे लाइट को पास करोगे ना तो लाइट को पास करने पे क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स क्या करेंगे इस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करना स्टार्ट कर देंगे स्कैटर होने की वजह से हमें उस बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इसी हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट ठीक है कि जो भी कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें भी पार्टिकल्स मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते अगर आप उसमें से लाइट को पास करोगे तो लाइट पास करने पर क्या होगा कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं पार्टिकल्स जब लाइट को स्कैटर तो हमें लाइट पूरी अच्छे से उसका बीम दिखता है कि यहां से लाइट मूव कर रही है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म वी आर हैविंग ब्रोमियम मूवमेंट ब्रोमियम मूवमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स ले लो तो कोलाइडल पार्टिकल्स हमेशा ऐसे करके जिग्जैक मोशन शो करते रहते हैं हमेशा एक दूसरे के बीच में टकरा के ऐसे जिक्जैक मोशन शो करते हैं इसी कोलाइडल सोल्यूशन के जिग्जैक मोशन को हम बोलते हैं ब्रोमियम मूवमेंट ठीक है movement, तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या जाएगी हमारे जो ब्लड है यहाँ पर ब्रोमियम मूवमेंट शो होता है जो गम है मिल्क है टूथपेस्ट है इन सभी में ब्रोमियम मूवमेंट शो होता है ठीक है ये दोनों इफेक्ट जो टेंडल इफेक्ट और ब्रोमे मूवमेंट हम यहाँ पे कोलाइडल्स में क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि कोलाइडल्स में क्या होता है एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स में जिसका पार्टिकल का साइज ना तो ज्यादा बड़ा है ना तो ज्यादा छोटा इन बिटवीन होता है सोल्यूशन और सस्पेंशन के इसी प्रॉपर्टी इसी बिहेवियर करके कोलाइडल्स के ये दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं टेंडल इफेक्ट एंड ब्रोमे मूवमेंट नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सेचुरेटेड अनसेचुरटेड एंड सुपर सैचुरेट सोल्यूशन अभी हमने सोल्यूशन को थ्री टाइप में डिवाइड कर दिया सैचुरटेड सोल्यूशन अनसेचुरटेड एंड सुपर सैचुरटेड सोल्यूशन ध्यान से देखो जो भी हमने अमाउंट ऑफ़ सल्यूट लेना है कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट आप ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में और कितने टेम्परेचर पे कितना आप टेम्परेचर दे रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है तो उसे ही हम बोलते हैं कि उस सोल्यूशन को हमने क्या किया मतलब कितना मिक्स कर रहा है कितनी अमाउंट मिक्स कर रहा है उसके बेसिस पे हमने क्या किया सोल्यूशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया सैचरेटेड अनसेच्यटेड एंड सुपर सैचूरेटेड वन बाई वन हम रीड करते हैं जैसे फर्स्ट वी आर हैविंग सैचूरेटेड सल्यूशन सैचूरेट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उाइल कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हो एट अ मैक्सिमम टेम्परेचर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर दोगे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास यहाँ पे गिलास ऑफ वाटर है ठीक है वन ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास उसमें मैंने क्या किया एक स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दी अगर आप एक स्पून शुगर की ऐड करोगे उसको आप अच्छे से डिजोल्व करोगे वो डिजॉल्व हो जाएगी अगर आप टू स्पूस लोगे वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी थ्री लोगे अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी चार पांच छह सात अगर मैं ऐसे कुछ टेम्परेचर गर्म करी जाऊँ हीट करी जाऊँ और ऐड करी जाऊँ तो वो ऐड हो जाएगा बट अगर मैं बोलूँ कि एक गिलास पानी में मैंने पूरी एक बोरी डाल के वो शुगर की डाल दी और मैं इसको हीट भी अच्छे से कर रही हूँ अब वो ऐड हो जाएगा नहीं ऐड होगा ना क्यों क्योंकि इस सल्यूट इस सॉल्वेंट की भी एक क्षमता होती है कि वो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट अपने अंदर ऐड कर सकता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर उसको हम बोलते हैं कि उसका वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अभी इससे ज़्यादा वो कोई अमाउंट ऑफ सल्यूट अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता इसको हम बोलते हैं सैचूरेटेड सल्यूशन नेक्स्ट वे हैविंग अनसेचुरेटेड सल्यूशन अनसेचुरेटेड सल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें हमने किया कि मैक्सिमम गिवन टेम्परेचर पे हमने वैसे तो सल्यूट ऐड कर दिया पर अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे सॉल्वेंट में प्रेजेंट है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ सलूट अभी और इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं उस उस पॉइंट को हम बोलते हैं उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसेचूरेटेड सोल्यूशन जहाँ पे वो और अमाउंट ऑफ सल्यूट अभी अपने अंदर ऐड करवा सकता है फ़ॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लो सॉल्ट वाटर सल्यूशन की सॉल्ट वाटर सल्यूशन का क्या होगा कि अगर आप उसको और हीट करोगे ना और आपने और सॉल्ट डालना स्टार्ट कर दिया तो वो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ सल्यूट अपने अंदर और एड करवा लेगा और उस टाइप ऑफ सल्यूशन को हम बोलते हैं अनसेचुरेट सल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सुपर सेचुरेटेड सल्यूशन तो ध्यान से देखो सुपर सैचुरटेड सल्यूशन क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास ऑफ बीकर है ठीक है इसमें पानी भरा हुआ है और वो पानी को अगर मैं ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे मेनटेन करूँ ठीक है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि उसमें फॉर एग्जाम्पल फाइव स्पून ऑफ शुगर है वो ऐड हो सकती है ईजीली और फाइव का अगर मैं सिक्स डिग्री करूँगी फाइव का अगर मैं सिक्स स्पून कर दूंगी तो वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा मतलब यहाँ पे इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि इसके आगे वो और टेम्परेचर मतलब और कोई शुगर अपने अंदर एड नहीं कर सकता बट अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ अभी मैं टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो क्या होता है कि अगर आप कभी भी वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है मतलब अभी वो सिक्स अभी वो क्या करता है फाइव स्पून के सेवन स्पून अपने अंदर शुगर के डिजॉल्व कर सकता है ठीक है तो इसमें क्या होगा थर्टी डिग्री सेल्सियस करने पर टेम्परेचर सेवन स्पूस ऑफ शुगर इसमें ऐड हो जाएंगे ठीक है बट अगर मैं क्या करूँ थर्टी डिग्री सेल्सियस पे मैंने क्या किया सेवन स्पून ऑफ शुगर तो ऐड कर दिए बट अगर मैंने थर्टी से अगेन उसका टेम्परेचर ट्वेंटी कर दिया उसको कूल cool डाउन कर दिया तो कूल cool डाउन करने पे क्या होगा ट्वेंटी पे क्या होगा ट्वेंटी पे वैसे उसकी मैक्सिमम कपैसिटी क्या थी फाइव स्पून की थी ना तो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा जब मैं इसको कूल कर दूंगी उसकी मैक्सिमम ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे कैपेसिटी क्या थी कि वो फाइव स्पून ऑफ शुगर को ही अपने अंदर रिटेन कर सकता था ठीक है अभी जो मैंने एक्स्ट्रा टू मतलब स्पून को ऐड करवा दिया सेवन स्पून मैंने कर दिए थे जो वो एक्स्ट्रा टू स्पून का शुगर होगा ना वो शुगर क्या करेगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में यहाँ पे ऐसे ऐसच हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्रिस्टल्स बन गए उसके ठीक है तो इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि वो सुपर सेचुरेटेड सल्यूशन बन गया कि जहाँ पे वो क्रिस्टल्स दिखने हमें सल्यूट के स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है अगर आप ध्यान से देखो नमक वगैरह को आप ध्यान से देखो एन वगैरह को तो नमक में क्या होता है उसकी जो शेप होती है ना उसकी शेप कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्म की होती है है ना तो जो सॉल्ट सभी जो सॉल्ट होते हैं सभी सॉल्ट की शेप क्रिस्टल्स की फॉर्म की होती है क्यों क्योंकि अगर आप सॉल्ट का फॉर्मूला अच्छे से देखो ना अगर मैंने सॉल्ट ले लिया फॉर एग्जाम्पल ये वाला एफ वी एस ओ फोर डॉट सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या कोई भी आप और सॉल्ट देख सकते हो तो इसमें हमेशा डॉट करके कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं तो इसे हम वाटर ऑफ फिक्सड नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक केमिकली बाड होते हैं कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो केमिकली बाउंड होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो एक सॉल्ट बनाते हैं ठीक है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक पार्ट ही होता है पूरे सॉल्ट का जो उसको मतलब क्रिस्टल की शेप देता है उसको इवन तो कुछ ना कुछ कलर भी दे देता है ठीक है तो इसी वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके हमें क्या मिलता है एक सॉल्ट की क्रिस्टल फॉर्म मिलती है और सॉल्ट के कुछ कलर मिलते हैं ठीक है थीके? अगर आप कोई भी सॉल्ट को हीट करना स्टार्ट कर दो ना तो सॉल्ट को हीट करने पर क्या होगा कि सॉल्ट अपना जो ये वाटर कंटेंट होगा उसको लूज करना स्टार्ट कर देगा उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है अगर आप कॉपर सल्फेट ले लो या आप सोडियम कार्बोनेट ले लो उन सभी में क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड होते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस तो हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस क्या होता है वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस और यू कैन से हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स ठीक है इसके एग्जांपल्स के जैसे एफ ई एस ओ फो डॉट सेवन मालिक्यल्स ऑफ वाटर इसका ग्रीन विट्रियाल कलर होता है ठीक है नेक्स्ट फिर हैंगपर सल्फेट डॉट फाइव मालिक्यूल्स ऑफ वाटर वाशिंग सोडा इन सभी को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस नेक्स्ट वेल हैविंग एनहाइड्रेट सब्सटेंसेस तो एनहाइड्रेट सब्सटेंसेस क्या होता है कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स को लूज कर बैठते हैं मतलब अपने किसी ना किसी को वो दे देते दे हैं लूज कर लेते हैं ठीक है उस के उस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम क्या बोलते है? हैं एनहाइड्रेस सॉल्ट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं. जैसे के एम एन ओ फोर पोटाशियम मैनगनीज ऑक्साइड एन ए सी एल के सी एल ये कुछ ऐसे सॉल्ट जिनके पास फिक्सड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते ठीक है नेक्स्ट वील हैविंग एफ्लोरोस एंड सबसांसिस एफ्लोरोस एंड सबसांसिस क्या होते हैं जो कुछ क्रिस्टलिन सॉल्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको एयर में ऐसे छोड़ दो ना तो एयर में ऐसे एक्सपोज करने पे क्या होगा कि जो उनके पास डॉट कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे ना वो उनको लूज़ कर देंगे ठीक है लूज़ करने पे बात क्या होगा कि उनके जो वो सब्स्टांसिज वो कुछ पाउडरी सब्सटांस या अमॉर्फा सबस्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन सब्स्टांसिस को हम बोलते हैं एफ्लोरसेंट सब्सटांज ठीक है और इसी प्रोसेस को जिसमें आप क्या करते हो कुछ सॉल्ट को या क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड साल्ट को आप क्या करते हो एयर में ऐसे एक्सपोज कर देते हो जिसकी वजह से क्या होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो लूज़ कर देते हैं एयर में ऐसे वेपोरेट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस नेक्स्ट वन हैविंग डेलिकुसेंट सब्सटेंसेस तो डेलिक्वेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको एयर में छोड़ दो ना तो एयर में छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं एयर में मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड या सेचुरेटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेलिकुसेंस जैसे एन ईओ कैल्शियम क्लोराइड या ऐसी कुछ सब्सटांसिज हैं इनको अगर आप क्या करो ऐसे एयर में छोड़ दो ना एयर में छोड़ने के बाद वो क्या होगा मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर, करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं नेक्स्ट वी आर हैविंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस अभी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनको आप मॉइस्चर में ऐसे छोड़ दो ना एयर में छोड़ दो वो क्या करते हैं कोई भी मतलब एयर को तो वैसे अब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि अगर आप एयर में छोड़ोगे तो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर को ऑब्सॉर्व करने पर वो क्या करेंगे अपनी स्टेट नहीं चेंज करेंगे जैसे डेलीकुसेंट सब्सटांस अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं पर ये क्या करेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटांसिस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करते ठीक है और इस सब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड ये कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते नेक्स्ट वी आर हैविंग ड्राइंग और डेसिकेटिंग एजेंट्स ड्राइंग और डेसिकेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे सबस्टांसिस से उनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ठीक है या आप क्या कर सकते हो उनके मॉइस्चर को रिमूव कर लेते हैं अपने में ले आते हैं एब्सार्ब कर लेते हैं उन सब्सटांसिस को हम बोलते हैं ड्राइंग और डेसिकेटिंग एजेंट्स ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विकलाइम या कैल्शियम क्लोराइड है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है कुछ ऐसे substances है ड्राइंग एजेंट्स है जो दूसरे की मॉइस्चर को अपने आप में एब्सार्ब कर लेंगे और उनको ड्राई कर देंगे नेक्स्ट में हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर तो वाटर के भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है अगर आप कोई भी मेटल को वाटर में रिएक्ट करवाओ या कोई भी मेटल को मॉइस्चर में बोल बोलो रिएक्ट करवाओ तो वहां पे वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और उनका क्या बनते हैं पोटाशियम प्रताश्य, जैसे पोटाशियम को वाटर में आपने ऐड कर दिया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड उनके हाइड्रोक्साइड बनेंगे प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस क्या रिलीज हो जाएगी तो ये क्या होता है कि ये एक्शन विद कोल्ड वाटर है ये पोटाशियम का एक्शन है विद कोल्ड वाटर क्योंकि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जैसे कि कोल्ड वाटर के साथ हॉट वाटर के साथ मतलब तो बॉयल करने के बाद या स्टीम के बाद रिएक्ट करेंगे वो वन बाय वन हम रीड करेंगे जैसे सोडियम है सोडियम भी अगर कोल्ड वाटर में रिएक्ट करवाओगे तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी इन द एटमोस्फियर नेक्स्ट फॉर एक्जाम्पल मेटल वी आर हैविंग कैल्शियम जब कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बता और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है नेक्स्ट वी आर हैविंग मैग्नीशियम मैग्नीशियम हमेशा क्या करते हैं बॉयलिंग वाटर से उसको रिएक्ट करवाते हैं बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करवाने के बाद वो क्या बनाता है एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व आउट कर देगा ठीक है नेक्स्ट मेयर हैविंग जिंक जो जिंक है वो स्टीम से रिएक्ट करता है जो जिंक है वो स्टीम से हम रिएक्ट करवाएंगे स्टीम से रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा इसमें जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व आउट हो जाएगी नेक्स्ट मेर हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स अभी हमने मेटल्स के साथ रीड क्योंकि कि कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कुछ हॉट वाटर के साथ और कुछ स्टीम के साथ ठीक है अभी क्या करते हैं जो नॉन मेटल्स हैं नॉन मेटल्स भी क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे अभी देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आर हैविंग कार्बन अगर आप सुपर हीटेड स्टीम को मतलब सुपर हीटेड स्टीम को आप ऐड करवाओ रेड हॉट कोक में कोक में तो कार्बन में आप ऐड करवाओ तो, तो उसका क्या बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इन दोनों को कंबाइंड हम बोलते हैं कि वाटर गैस फॉर्म हो गया ठीक है नेक्स्ट क्या हो गया जो ये वाटर गैस है ये गुड फ्यूल होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है नेक्स्ट रिएक्शन विद क्लोरीन जब आप नॉन मेटल क्लोरीन को आप एड करवाओगे वॉटर में से तो वो क्या बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा और साथ साथ बनाएगा हाइपोक्लोरोस एसिड ठीक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए आप क्या करते हो नॉन मेटल को वाटर में एड करवाते हो नेक्स्ट हैविंग कि जब आप वाटर को ऐड करवाते हो मेटालिक ऑक्साइड्स में जब वाटर को आप ऐड करवाओगे मेटालिक ऑक्साइड में तो उसके क्या बनेंगे हाइड्रो बन जाएंगे जैसे पोटाशियम ऑक्साइड को आप ऐड करवाओगे वाटर में तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा अगर आप सोडियम ऑक्साइड को ऐड कराओगे वाटर में तो सोडियम हाइड्रो बना लेगा ठीक है ऐसी मेटल ऑक्साइड को अगर आप ऐड करवाओगे तो उसके रिस्पेक्टिव बेसिस बन जाएंगे क्योंकि के ओ सभी क्या होंगे बेसिस होंगे तो ये तो हमने रीड कर लिया कि अगर आप मेटल को रिएक्ट करवाओगे वाटर में मेटल को रिएक्ट करवाने पे वाटर पे क्या बनाते हैं बेस बनाते हैं अगर नेक्स्ट आप लोगे कि अगर आप नॉन मेटल को रिएक्ट करवा रहे हो वाटर से तो वो क्या बनाएंगे वो बना लेंगे एसिड्स या आप याद रखोगे कि मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ बेस बनाएंगे नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ वो एसिड बनाएंगे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को अगर पानी में ऐड कर दोगे तो वो एच टू एस ओ थ्री बना लेगा ठीक है ऐसी नॉन मेटल्स आप लो उसको वाटर में ऐड करवा लो तो वो रिस्पेक्टिव उसके एसिड्स बना लेगा नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर अगर आपने अगर आपने डेली लाइफ में चेक किया हो डेली लाइफ में क्या होगा कि अगर आप कोई भी पानी लो पानी में आपने ऐसे क्या किया सोल्यूशन डाल दिया कोई सॉप सल्यूशन डाल दिया ठीक है सॉफ्ट सल्यूशन को आपने ऐसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया पानी में तो आप चेक करोगे कोई ना कोई बबल्स बनेंगे है ना बबल्स बनते हैं उसके बबल्स को हम बोलते हैं उसकी लेदर बनेंगी ठीक है तो उन बबल्स को या लेदर को आप देखते हो बट कई ऐसे पानी होते हैं कई वाटर ऐसे होते हैं अगर आप उसमें कोई भी सॉप डाल दो ना सॉप डालने पर उसको मिक्स करो तो वो बबल्स नहीं बनाते तो ऐसे पानी को आप बोल हो हार्ड वाटर ठीक है हार्ड वाटर जो होता है वो कभी भी लेदर को फॉर्म नहीं करता अगर आप कोई भी सॉप को डालोगे उसके अंदर ठीक है इसके एग्जाम्पल है जैसे ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर मेनली जो सॉयल परकुलेशन रेट से हमें मिलता है तो सॉइल से जो ग्राउंड वाटर मिलता है वो मेनली हार्ड वाटर होता है जो बहुत कम आप यूज़ करते हो लॉन्ड्री या लेबॉरट्री परपजेज में लॉन्ड्री का क्लॉथ्स वगैरह को वॉश करने के लिए आप कभी भी ग्राउंड वाटर नहीं यूज़ करते क्योंकि वो अच्छे से लेदर वो अच्छे से मतलब वो झाग नहीं बनाता लेदर नहीं बनाता इसकी वजह से जो कपड़े हैं वो अच्छे से वॉश नहीं होते ठीक है अगर इन कॉन्ट्रास्ट देखो तो कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिसको आप सॉप में मिक्स करो जिसमें आप सॉप मिक्स करो तो वो बहुत अच्छे से मतलब क्या वो लेदर बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर तो वॉशिंग जो भी आप करते हो वॉशिंग ईजी बनाने के लिए हम मेनली कौन सा वॉटर यूज करते हैं सॉफ्ट वॉटर नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर तो अगर देखो आप हार्ड वाटर है हार्ड वाटर कभी भी लेदर नहीं फॉर्म करता ना अगर कोई भी सॉप उसमें डाले तो तो वो उस हार्ड वाटर एक्चुअली हार्ड वाटर होता क्यों है क्योंकि उस हार्ड वाटर के अंदर कुछ मेटल्स प्रेजेंट हो जैसे कैल्शियम का मेटल है मैग्नीशियम का मेटल है इन्हीं मेटल के प्रेजेंस के चक्कर में वो क्या होता है हार्ड वाटर होता है वो कभी भी सॉप में सॉप की हेल्प से लेदर नहीं बनाता अगर आप चाहते हो कि आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो अगर आप हार्ड वाटर में से ये मेटल्स के कंटेंट को रिमूव कर दो तो उसको हम बोलते सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर और जो मेन मेथड यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर करने के लिए वो मेन मेथड का नेम आप लर्न रखो आयन एक्सचेंज रेज़ेंस तो ये आयन एक्सचेंज रेजिनस एक मेथड का नेम है जिसमें वो क्या करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करवाते हैं ठीक है थीके? अभी हम रीड करते हैं कौन से मेथड्स हैं आयन एक्सचेंज मेथड और भी कई मेथड्स हम रीड करते हैं वन बाय वन कि कैसे वो मेथड यूज़ करके वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं जैसे फर्स्ट मेथड वी आर हैविंग आयन एक्सचेंज रेजन तो आयन एक्सचेंज रेज़न में क्या होता है कि इस मेथड में वो उसकी हार्डनेस को रिमूव करते हैं कैसे रिमूव करते हैं कि वो क्या करते हैं जो भी हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं उन दोनों आयंस को मतलब रिमूव करके उनकी जगह पे वो सोडियम और पोटाशियम के आयंस रख देते हैं इसकी वजह से क्या होगा कि वैसे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस की वजह से वो हार्ड वाटर था अगर आप उस दोनों आयंस को रिप्लेस करके उसकी जगह पर सोडियम और पोटाशियम रख दो ना तब वो वाटर क्या होगा सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग लाइम सॉफ्टनिंग तो लाइम सॉफ्टनिंग में क्या होगा कि इसके क्या कहते हैं हार्ड वाटर के अंदर उसमें लाइम सॉफ्टनिंग लाइम डाल देते हैं लाइम मतलब वो नींबू वगैरह डाल देते हैं उसमें क्या होगा कि वो जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग डिस्टिलेशन मेथड तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या होगा वैसे तो हमें पता है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट होते हैं ठीक है थीके? तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट होने की वजह से क्या होगा कि अगर आपने उसको रिमूव करवाना है मतलब हॉट वाटर को आपने सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करवाना है तो आप हार्ड वाटर की डिस्टिलेशन करवा सकते हो पर एक्चुअल डिस्टिलेशन करवाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एक्सपेंसिव और प्रैक्टिकली ये मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है प्रैक्टिकली इतना अच्छे से हो नहीं सकता तो ये मतलब प्रोसेस इतना अच्छे से काम नहीं करता नेक्स्ट तो, में हैविंग रिजर्व ऑसमोस तो रिजर्व ऑसमोस मेनली हम क्या करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी होता है जिसमें क्या होता है सेमी परमीएबल मैमब्रेन लगा होता है सेमी परमीएबल मैमब्रेन क्या करेगा जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के आइन्स होंगे उनको मतलब रिमूव करवा देगा उनको साइड करके सिर्फ पानी के जो मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे वही उसमें से पास कर सकते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा अगर कोई भी और लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वाटर में तो वो उनको वहीं पे रोक लेगा और सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स को आगे मूव करने में हेल्प करेगा से डायग्राम में देखो ये रिजर्व ऑसमोस लगा होता है ये रिजर्व ऑसोमोस में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन लगा है जिसमें सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स इसमें मूव कर सकते हैं और जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इस सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन से मूव ही नहीं कर सकते नेक्स्ट वेयर हैविंग एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर जो हार्ड वाटर उनके एडवांटेजेस अभी क्या है फर्स्ट वेयर हैविंग न्यूट्रिएंट कंटेंट क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स होते हैं अगर आप इन हार्ड वाटर को डेली हम इनटेक करेंगे उसमें हमारी क्या ओवरऑल हेल्थ केयर अच्छी रहेगी नेक्स्ट एडवांटेज वी आर हैविंग लेड सेफ्टी तो जो हार्ड वाटर होता है ना हार्ड वाटर कभी भी लेड को अपने अंदर मिक्स नहीं करवाता जो भी हम मेटल की पाइप्स यूज़ करते हैं मेटल की पाइप्स एक्चुअली बनी होती है लेड से ठीक है जब पानी इसमें मूव करता है तो वो पानी अपने अंदर लेड को मिक्स नहीं करवाएगा तो पानी गंदा नहीं होता इसीलिए क्या करते हैं अगर इसके अंदर सॉल्ट अगर इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट है उसकी वजह से वो लेड को अपने अंदर डिजोल्व नहीं करवाएगा तो पाइप्स में से इजिली विदाउट खराब हुए वो ईजिली मूव कर सकता है नेक्स्ट एडवांटेज वी आर हैविंग टेस्ट कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको हार्ड वाटर का टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है क्यों क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होने की वजह से कुछ फ्लेवर आ जाता है फ्लेवर के मतलब वजह से उनको टेस्ट अच्छा लगता है पर ये टेस्ट वेरिएशन भी पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है नेक्स्ट वन हैविंग हाइड्रेशन जैसे हम पता है कि पानी पीने से हमारी बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है वैसे जो हार्ड वाटर है वो भी हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है हमेशा नेक्स्ट वेर हैविंग डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर डिसएडवांटेजेस क्या है फर्स्ट वेर हैविंग सॉप यूजेज मेनली इसका क्या है कि ये लेदर नहीं बनाता अच्छे से सॉप से अगर आप हार्ड वाटर को यूज़ करोगे कपड़ों को क्लीन करने के लिए तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉप लगेगा लेदर बनाने के लिए जिसकी वजह से वो पूरा क्या है ज़्यादा हाई कंजप्शन ऑफ मतलब सॉप लगने की वजह से उनका इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकता है ठीक है क्लीनिंग का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है नेक्स्ट डिसएडवांटेज वी आर हैविंग स्टेनिंग विद वाइट फैब्रिक्स अगर आप कभी भी हार्ड वाटर को यूज़ करते हो ना कपड़ों को वॉश करने के लिए तो वो हमेशा कोई ना कोई स्टेन छोड़ देता है मतलब जो वाइट कलर उनको डल कर देता है जो मतलब कलर्ड सब कलर्ड कपड़े होते हैं उनको ख़राब कर, कर देता है डल कर देता है क्यों क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा मिनरल्स की मतलब कंटेंट की वजह से क्या होगा वो कलर्स डल हो जाते हैं कपड़ों के नेक्स्ट मेंविंग डाइंग अगर डाइंग के प्रोसेस में भी अगर कोई हार्ड वाटर यूज़ कर रहा है क्योंकि हार्ड वाटर में क्या मिनरल कंटेंट्स प्रेजेंट है कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह उसकी वजह से क्या होगा? कि अन ईवन और अनडिज़ायरेबल मतलब डाइंग का पूरा आएगा अगर आपने कहाँ वो डाई करवाना था पूरा अच्छे से डाई करवाना था बिल्कुल प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डाई करवाना था अगर उसमें आपने हार्ड वाटर यूज़ करवाया तो वो जो डाई का पूरा प्रोसेस है वो अन ईवन आएगा कहाँ से कुछ ज़्यादा डाई होगा कहीं से कुछ कम डाई होगा नेक्स्ट वे हैविंग लाइम स्केल्स तो जो मेनली हार्ड वाटर होता है क्योंकि उनमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है वो मिनरल कंटेंट अपना क्या वो कंटेनर जैसे हमने कोई भी कंटेनर में पानी डाल के रखा हार्ड वाटर को डाल के रखा तो वो मिनरल कंटेंट ज़्यादा क्या कर सकता है उसमें लीव कर सकता है ठीक है तो उसकी वजह से जो कैटल्स वगैरह पॉट्स वगैरह पाइप्स वगैरह वो अपनी एफिशंसी को रिड्यूस कर लेते हैं उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है नेक्स्ट वेर हैविंग डिसएडवान्टेजेज ऑफ सॉफ्ट वाटर अभी सॉफ्ट वाटर के क्या किसएडवान्टेजे हैं फर्स्ट वेर हैविंग लेड कॉन्टिमिनेशन जैसे हमें पता है कि हार्ड वाटर है वो कभी भी लेड को अपने अंदर ऐड नहीं करवाता डिजो्व नहीं करवाता पर जो सॉफ्ट वाटर है वो लेड को अपने अगर लेड उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो लेड में क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा सॉफ्ट वाटर ठीक है तो अगर कोई भी मेट पाइप्स वगैरह यूज करो लेड की पाइप यूज कर सकते हो तो उसकी वजह से क्या होगा वो पानी गंदा हो सकता है उस पानी में लेड मतलब कि प्रेजेंट हो सकता है ठीक है नेक्स्ट वन हैविंग कैल्शियम एब्सेंस तो मेनली ऑबियसली क्या सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम की एब्सेंस तो पक्का ही होगी थी कि इसमें कोई भी बेनिफिशियल मिनरल जैसे कैल्शियम वगैरह तो है ही नहीं तो ये हमारी बोन और टीथ के लिए अच्छी नहीं होती सॉफ्ट वाटर नेक्स्ट वन हैविंग टेस्ट कुछ पीपल्स को कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जो सॉल्ट वाटर है जो मतलब कि टेस्ट होता है सॉफ्ट वाटर का वो सॉल्टी होता है सॉल्टी होने की वजह से बहुत लोग कम उसको पीना प्रेफर करते हैं नेक्स्ट में हैविंग सेफ्टी कंसर्न्स क्योंकि जो सॉफ्ट वाटर है जनरली सेव होता है ड्रिंक करने के लिए पर वो क्या है तो उसमें बहुत सारी लेड कॉन्टिमिनेशन हो सकती है उसमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं है इसकी वजह से उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट वन हैविंग काजेज ऑफ वाटर हार्डनेस जो भी वाटर है वो हार्ड कैसे कैसे हो सकता है फर्स्ट वेन हैविंग टेम्प्रेरी हार्डनेस कई होते हैं वाटर ऐसे जिसमें टेम्प्ररी कुछ ना कुछ मतलब कि आयंस वगैरह ऐड हो जाते हैं जैसे कौन से आयंस जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो पानी में टैंपरली ऐड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्प्ररी हार्डनेस बट कई वाटर की हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस भी होती है जिसमें क्या होते हैं डिजोल्व सल्फेट्स होते हैं क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के मतलब कि ऐसे आयंस होते हैं अगर ऐसे कुछ आयंस वगैरह प्रेजेंट है उसकी वजह से वो परमानेंट हार्डनेस है वाटर की अगर उसमें कोई ना कोई मतलब ऐसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट वगैरह ऐड हो जाए तो वो टेम्प्ररी हार्डनेस उस वाटर की नेक्स्ट वे हैविंग रिमूवल ऑफ वाटर हार्डनेस अभी अगर आपको वाटर हार्डनेस रिमूव करनी है तो आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो फर्स्ट वी आर हैविंग फॉर द टेम्परिरी हार्डनेस कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह टेम्प्ररी हार्डनेस है उस वाटर में तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो फर्स्ट वी आर हरविंग बॉयलिंग अगर आप हार्ड वाटर को बॉयल करोगे बॉयल करने में क्या होगा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स होते हैं वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्रेक डाउन करके वो इनसोलुबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है इसॉलुबल कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो कार्बोनेट्स अलग हो जाते हैं पानी अलग हो जाता है सेकेंड मेथड वी आर हैविंग एडिंग वॉशिंग सोडा अगर आप कभी भी मतलब कि हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा को ऐड कर दोगे वॉशिंग सोडा का आप लर्न रखो सोडियम बाई कार्बोनेट दट इज एन ए टू सी ओ थ्री ठीक है इसमें क्या होगा कि जो टेम्प्रेरी हार्डनेस है वो कार्बोनेट्स रिमूव हो जाएंगे ठीक है कार्बोनेट्स रिमूव होने के बाद वो क्या होगा सेटल हो जाएंगे अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर द परमानेंट हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप पानी में क्या कर सकते हो वॉशिंग सोडा को ऐड कर सकते हो सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री वॉशिंग सोडा को ऐड करोगे उसमें क्या होगा कि जो टेम्परे जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की वो रिमूव हो जाती है उनके क्या, क्या कर सकते हैं इनके क्या होते हैं इनसॉलेबल कार्बोनेट्स अलग हो जाते हैं और कार्बोनेट्स अलग होने की वजह से और वो पानी क्या होता है उसकी हार्डनेस रिमूव हो जाती है Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it, and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.